हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूनिट सेकंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपकी जो यूनिट सेकंड में से जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, 90% आपके चांसेस हो जाते हैं कि यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो लॉ है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस लॉ के बेसिस पे ही दो चार लॉ और चलते हैं हमारे इस जो चैप्टर के अंदर होते हैं, इस यूनिट के अंदर होते हैं। तो ये जो आप ना इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर पूछते कम से कम 2 या 3 मार्क्स में पूछ लेंगे। और अगर जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं 8-9 मार्क्स का, तो उसमें पार्ट्स में पूछ लेते हैं कि ये भी डिफाइन कीजिए, ये भी डिफाइन कीजिए और ये भी डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप लोग डिडक्शन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लो। जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो 8 मार्क्स में आता है या 8 मार्क्स में बोल देते हैं कि मैक्सवेल का बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लो भी बताइए और इसके अलावा एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लो है ना, वो वाला भी बताइए। तो दोनों क्वेश्चन यही इसके साथ सेम है, ये क्वेश्चन को पूछ लेते हैं दोनों को 9 मार्क्स का कैरी करके। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको तो अब बिल्कुल छोड़ना है मत, प्रैक्टिस करके देखना, कम से कम 2 बार लिख के देखना इसको। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। उसके बाद में आता है डिफाइन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, ये मैंने आपको करवा रखा, ये CDU में भी 2016 में आया हुआ है, बाकी MDU में भी और यूनिवर्सिटीज में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया, मीन और एवरेज स्पीड हो गया। देखो, मीन और एवरेज स्पीड हो गया, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जिसको आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद में इनके बीच की रिलेशन बता दी है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, एवरेज स्पीड की एंड आरएमएस स्पीड की, ये रिलेशन भी जरूर पूछते हैं कि भाई इनके बीच में रिलेशंस बताइए। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चंस है, 3 नहीं 5 क्वेश्चंस है, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो इनकी वीडियोस है मैंने अपलोड कर रखी है, आप यूट्यूब चैनल पर मेरे पे देख सकते हो। और साथ में आपको नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, किसी बच्चे ने जैसे पहले कर रखा हो या पढ़ रखा हो और सिर्फ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके नोट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको मत छोड़ना आप लोग। उसके बाद में डिफाइन रूट मीन स्क्वेयर स्पीड, CRMS स्पीड, जो ये इसके साथ रिलेशन बताई थी ना, यही है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल इजी है। वैसे ये सारे ना एक दूसरे से लिंक्ड है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज स्पीड, मीन स्पीड। तो अब क्या करना है, बाई चांस आपके देखो 9 मार्क्स के में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको कितना बेनिफिशियल होगा ना ये 9th। देखो 9 मार्क्स आप कैरी कर सकते हो, मतलब ये सिर्फ 3-4 डेफिनेशन करने से ही। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि 4 मार्क्स में आ रही है अलग से या 3 मार्क्स में आ रही है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, किसी क्वेश्चन के तो 2 पार्ट आ जाते हैं, किसी क्वेश्चन के 3 पार्ट भी आ सकते हैं ना, ऐसे पार्ट्स में आ जाएंगे। तो इसको आप जरूर करना, क्योंकि आपसे पूछ लेंगे डिफाइन दिस स्पीड, मीन एवरेज एंड रिलेशन भी बता दिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी बता दिए, मतलब आपको कम से कम वो 9 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बना के दे देगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप जरूर करना, बिकॉज ये एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, मतलब इससे हम ये निकालते हैं, इस वाली से ये निकाल रहे हैं। वैसे ऑलमोस्ट तो बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी लो है ना, जो वेलोसिटी लो, जो डिडक्शन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड वेलोसिटी लो है, ये स्पीड वेलोसिटी लो, इससे ही हम इन सबको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को डिफाइन करते हैं और उसके बाद में ये हम सब कर सकते हैं। तो आप क्या करना, सबसे पहले वे तो आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, फिर आप ये क्वेश्चन करना। उसके बाद में आता है डिफाइन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये वीडियोस भी मैंने 2-3 दिन पहले अपलोड की थी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, बिकॉज ये MDU 2019 में आया भी आया और वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ है। और देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बेसिक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है फेज स्पेस, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, 2 मार्क्स में आएगा ज्यादा से ज्यादा, बस 2 मार्क्स में ही आ जाता है, इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब और ज्यादा मार्क्स कैरी कर ही नहीं सकता, बिकॉज बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 2 पेजों का है, तो 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ सकता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एक्सप्लेन फॉर मोनो डाय एंड ट्रायटोमिक। भाई ये जो क्वेश्चन है, इसको आप देखो स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 मार्क्स का कैरी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ते हो ना, और आप लाइक इक्विपोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हो, इन दोनों को एक साथ भी दे सकते हैं 7 या 9 मार्क्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर कीजिएगा। सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन बता रखे हैं मैंने आपको, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेन फ्री पाथ क्या होता है ये बताना आपको, डिफाइन ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मास।
इन दोनों में से एक तो जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है। दोनों में से एक जरूर आता है, या तो मोमेंटम का आ गया या मास का हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करके आने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारी जो सेकंड यूनिट के थे उसके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यही थे, तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। कहीं डाउट हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ऑलमोस्ट मैंने बहुत से क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की हुई है, और बाकी की वीडियो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।